जी मेरा बेटा, अब आप लोगों के सामने वीडियो भी आ चुकी होगी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। तो मेरी जान, आज हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मेरे बच्चे, हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, डराइव्ड क्वांटिटीज, और उसके अलावा हाउ कैन वी मेजर आवर बेस क्वांटिटीज। सो मेरा बेटा, वीडियो आप लोगों के सामने आ चुकी। बस ऐसे ही होता है, फिजिक्स वाले नाल देना थोड़ी दुश्मनी चलती पी है, और कोई गल नहीं है। तो मेरा बेटा जल्दी से मुझे बता दे मेरे शहजादो कि एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, तो इंशाल्लाह फिर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा टॉपिक है मेरा बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जल्दी से मेरे बच्चे लाइव हो जाएं, देन उसके बाद मैं आप लोगों की जो चैट है वो कुछ देर के लिए हाइड कर दूंगा, ताकि हमारा जो फोकस है मेरे बेटे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर पे आए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो जी मेरे बेटे, मेरा बेटा, आप लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी जिन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की मेरा बेटा, इन 1960। जी मेरे बेटे, आप लोगों के सामने आवाज भी बिल्कुल ठीक आ रही, तो मुझे क्लियर कर दे। इज एवरीथिंग ओके मेरा बेटा? एक दफा मुझे ये चीज़, मैंने आपके चैट दोबारा से एनेबल की, मुझे बता दें आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरा बेटा? क्लियर है सर? आ रही? ओके मेरा बेटा, मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके 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 मेरा बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। चले मेरे बेटे, तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास 1960 में बात लिखी कि इंटरनेशनल कमेटी ने एक सेट ऑफ डेफिनेशन जो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करता है। 1960 में सारी दुनिया के साइंटिस्ट एक जगह पे इकट्ठे हुए और उन्होंने सात बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए सात बेसिक यूनिट्स दिए, और इस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं SI, जिसके लिए मेरा बेटा हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं SI, जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म मेरा बेटा यूज करते हैं SI, जिसके लिए मेरे बच्चे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं SI। बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें बेस यूनिट्स कहा जाता है, और ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ड्राइव कहा जाता है। सो मेरा बेटा, मैं बेस क्वांटिटी, फिर उसके यूनिट यूनिट की बात करते हैं, और उसके बाद मेरा बेटा और उस यूनिट का सिंबल क्या है उसकी बात करते हैं। हमारे पास सात बेस क्वांटिटीज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन सात बेस क्वांटिटीज के सात बेस यूनिट है। सबसे पहले लेंथ, मैस, टाइम, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हम लोगों ने बेटा कल भी पढ़ा था। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मेरा बेटा लेंथ के लिए जो यूनिट हम SI यूनिट यूज करते हैं, बेस यूनिट जिसे हम कहते हैं मेरा बेटा इसका, वो मीटर होता है, और मीटर के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो स्मॉल m है। इसी तरह मेरा बेटे किलोग्राम आपके पास यूनिट होता है मैस का, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं kg। टाइम के लिए मेरा बेटा सेकेंड यूनिट यूज करते हैं s,
सिंबल यूज करते हैं एस, टेम्परेचर का एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, पूरी दुनिया में चलने वाला जो टेम्परेचर का यूनिट है, हालांकि सेल्सियस, फॉरेनहाइट और भी यूनिट्स होते हैं, लेकिन जब हमने अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचानी होती है तो सेम यूनिट में, सेम लैंग्वेज में बात की जाती है। तो इंटरनेशनली जो आपके पास टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, और इसके लिए सिंबल जो यूज करते हैं मेरा बेटा वो के है। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, MOL, इसके लिए सिंबल लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, इसके लिए मेरा बेटा ए लिखा जाता है सिंबल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला होता है, जिसके लिए हम CD लिखते हैं। तो ये बेस क्वांटिटीज के साथ बेस यूनिट थे, नो इश्यू मेरा बेटा, एक सैंपल टेस्ट थे। उसके बाद ड्राइव यूनिट्स की बात करें, तो ड्राइव क्वांटिटीज के बारे को एक्सप्लेन करने के लिए ड्राइड क्वांटिटीज के बारे में, या ड्राइड क्वांटिटीज को जिन यूनिट्स में मेजर किया जाता है उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं ड्राइव यूनिट्स का। सो मेरे बच्चे, सबसे पहले तो हमने बात कर ली यहां पे बेस यूनिट्स की, उसके बाद मेरा बेटा हम बात करने जा रहे हैं ड्राइव यूनिट्स की। इसके दरमियान में एक सप्लीमेंट्री आता है, वही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही इंपॉर्टेंट बात है आज की, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले मेरा बेटा, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी की बात करूं, जैसे कि फोर्स है, उसका यूनिट मेरे पास मेरा बेटा न्यूटन होता है, और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम वो एन होते हैं। इसी तरह अगर मेरा बेटा मैं बात करूं और एक और ड्राइव क्वांटिटी, जैसे कि स्पीड की बात की जाए, V से डिनोट करते हैं स्पीड को, वैसे यूनिट इसका होता है मेरा बेटा मीटर पर सेकेंड, हम इसको लिखते हैं MS-1 या फिर M/S, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड को। सो बेस क्वांटिटीज को जिन यूनिट्स में, देखो यद्यपि या यूनिट्स आर यूज टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, एंड द यूनिट्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द ड्राइव क्वांटिटीज दे आर कॉल्ड द ड्राइव यूनिट्स। मेरी जान, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास दो ऐसे यूनिट्स जो ना तो बेस है ना तो डिराइव्ड है। विच बुक यू आर टीचिंग मेरा बेटा? PTB की बुक पढ़ाई जा रही है और फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। बैटरी लो है, जरा देखना। जी मेरा बेटा, बैटरी जो लो हो चुकी थी, बैटरी को चेंज कर दिया गया है। अब मेरे बच्चे जरा ध्यान से आप लोगों ने कंसर्न करना है, अगला जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके बारे में इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा। इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझिएगा मेरा बेटा, आपको मुश्किल हो सकती है लेकिन आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मुश्किल आएगी लेकिन उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा, हमारे पास ऐसी दो क्वांटिटीज हैं जो ना तो बेस क्वांटिटीज हैं ना ही डराइव्ड क्वांटिटीज हैं। आपकी बुक में लेफ्ट साइड पे टेबल्स के नीचे ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लिखी हुई है मेरा बेटा। एक आपके पास प्लेन एंगल और दूसरी आपके पास है मेरा बेटा सॉलिड एंगल। एक आपके पास मेरा बेटा प्लेन एंगल है और दूसरी आपके पास है सॉलिड एंगल। एक आपके पास प्लेन एंगल है जबकि दूसरी आपके पास मेरा बेटा, जी मेरा बेटा फिजर टेस्ट होगा, और दूसरा आपके पास है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल टू डायमेंशनल होता है, जैसे कि मैं सर्कल के अंदर बनने वाले एंगल की बात करूं तो। इसी तरह
आपके पास सॉलिड एंगल मेरा बेटा थ्री डायमेंशनल होता है, जैसे कि हम स्फीयर के अंदर बनने वाले एंगल की बात करें। इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझिएगा, व्हाट आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको ना तो बेस का हिस्सा बनाया गया ना वो डिराइव्ड का हिस्सा है। बेस इसलिए नहीं क्योंकि बेस में नहीं आती, ड्राइव्ड इसलिए नहीं कि वो बेस से मिलकर नहीं बनती। ऐसी दो क्वांटिटीज जो ना तो बेस क्वांटिटीज हैं ना ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज को, दो ऐसी क्वांटिटीज हैं उनको नाम दिया जाता है मेरा बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक आपके पास प्लेन एंगल और दूसरी आपके पास सॉलिड एंगल, एक्चुअली इन्हें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज भी कहा जाता है, इन्हें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज का नाम भी दिया जाता है, इन्हें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज का नाम भी दिया जाता है, इन्हें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। देयर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब मेरा बेटा जैसे कि बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए बेस यूनिट से, ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए ड्राइव यूनिट से, इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, जैसे कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। इसको मेरा बेटा मैं रेज करने लगा हूं, इससे पहले आपने किसी बुक में इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ तो जरा ध्यान से गौर से बुक पे भी यही डेफिनेशन लिखी है जो मैं आपके सामने अभी लिखने जा रहा हूं। हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है मेरा बेटा, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सबसे पहले तो यह चीज क्लियर होनी चाहिए, आपके पास दो क्वांटिटीज थी प्लेन एंगल, दूसरा आपके पास था मेरा बेटा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है मेरा बेटा उसको नाम देते हैं रेडियन का, और सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसको स्टेरेडियन कहते हैं। प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है मेरा बेटा उसको रेडियन कहते हैं, ये टू डायमेंशनल होता है, जबकि सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसको स्टेरेडियन कहते हैं, ये थ्री डायमेंशनल होता है। अब मेरे बच्चे व्हाट इज रेडियन, सबसे पहले व्हाट इज रेडियन उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने बात की मेरा बेटा कि अगर आपके पास एक सर्कल हो, सर्कल का एक पॉइंट ए ये है, उसका दूसरा पॉइंट बी ये है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान बनने वाला एंगल जब आपके पास यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर होता है, ये डिस्टेंस भी क्या होता है मेरा बेटा आर, और इसे कहते हैं इस पॉइंट को जहां पे दो रेडियाई सर्कल को कट कर रहे हो उसे कहते हैं मेरा बेटा आर्क लेंथ, उसे कहते हैं मेरा बेटा आर्क लेंथ। सर्कल पे जब दो रेडियाई का मतलब सेंटर से स्टार्ट होने वाली दो लाइनें जब सर्कल को कट कर रही होती हैं उस पोर्शन को आर्क लेंथ कहते हैं, वैसे उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा यहां पे बनने वाला एंगल जब आपके पास आर्क लेंथ एस और रेडियाई दोनों इक्वल हो, आर्क लेंथ एस और रेडियाई दोनों इक्वल हो, तो यहां पे बनने वाला एंगल बिटवीन टू रेडियाई इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। अब मैं अगर बुक के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन बताऊं, रेडियन इज द प्लेन एंगल बेली कहा था प्लेन एंगल का यूनिट है प्लेन एंगल विच कट ऑन द सर्कमफेरेंस, इस पूरी चीज को क्या नाम दिया जाता है बेटा सर्कमफेरेंस, विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस, विच कट ऑफ एन सर्कमफेरेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में क्या होती है मेरा बेटा इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। ये डेफिनेशन आ गई मेरा बेटा आपके पास रेडियन की, रेडियन इज द प्लेन एंगल विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। जब आप एम डी कैट और ई कैट में आएंगे तो आपको फॉर्मूला बताऊंगा, यहां पे फॉर्मूला बनता है बेटा एस इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि चैप्टर नंबर 5 में जाके भी हम लोग पढ़ेंगे, एस इज इक्वल टू आर
थीटा इज द प्लेन एंगल, अगर कैलकुलेट करना हो तो एस को आर पे डिवाइड करते हैं। आपने कहा एस और आर की वैल्यू एक जैसी है, मैं ऊपर भी एस आर रख दूं नीचे भी आर रख दूं, आंसर क्या आएगा? वन। तो वन रेडियन एंगल बनेगा आपके पास जब एस और आर दोनों की वैल्यू इक्वल हो। ये फॉर्मूला यहां पे ड्राइव नहीं है, वैसे बता रहा हूं कि जब एमडीकेट और रीकेट के टेस्ट की तैयारी करेंगे ये बताया जाएगा। बनता है एस इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज द प्लेन एंगल विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो रेडियन इज द प्लेन एंगल, ये था मेरा बेटा आपके पास रेडियन। इसके बाद आ जाता है स्टेरेडियन, उसके बारे में मेरा बेटा मैंने आपको बताया था ये सॉलिड एंगल है, थ्री डायमेंशनल है, आपकी बुक में डेफिनेशन भी नहीं लिखी हुई है सॉलिड एंगल। अब इसके लिए मेरा बेटा हम स्फेयर की शेप लेते हैं, स्फेयर आपके पास ये आ गया जैसे कि एक फुटबॉल है, उसके अंदर इस एंगल को सेंटर में सब्सटेंड किया जाता है, बनाया जाता है यहां पे। अब ये वाला एंगल थीटा आपके पास मेरा बेटा क्या कहलाता है, इस एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। और यहां पे ये आर है, ये भी आर है, ये और यहां पे ये जो एरिया बनता है ना, इतनी सी सरफेस जो आपके पास बन रही है कोन की, ये एरिया आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब स्टेरेडियन को डिफाइन कैसे किया गया, स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल और थ्री डायमेंशनल एंगल, सॉलिड एंगल ये हमें पता है, इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर। इसको कहां पे बनाया गया मेरा बेटा, इज सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ स्फेयर, वहां पे हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियाई इक्वल होते थे। यहां पे वो ये बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ इट्स सरफेस, कि इसकी सरफेस का जो एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आता है, एरिया ऑफ एट्स सरफेस। बेटा जो टेस्ट लिए जाते हैं इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए उसको ई कैट और एमडी कैट कहा जाता है। एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, एरिया ऑफ इट्स सरफेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियन। स्टेरेडियन इज द थ्री डायमेंशनल आर द सॉलिड एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, which is subtended at the center of the sphere। और यहां पर इतनी सी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि इस एंगल का ये वाला जो सरफेस एरिया है अगर ये कैलकुलेट किया जाए ये आर स्क्वेयर होता है, और आर क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्किल। सरफेस एरिया मेरा बेटा, तो यहां तक था मेरे बच्चे हमारा आज का टॉपिक। रेडियन एंड स्टेरेडियन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को मैंने यहां पे बताया वो ये था कि बच्चे कुछ लोग से पूछा था ना कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो रेडियन और स्टेरेडियन कह देते। नहीं मेरा बेटा, रेडियन और स्टेरेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री दो क्वांटिटीज थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उनके यूनिट्स है मेरा बेटा रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब आप लोगों का जो टेस्ट है मेरा बेटा वो मैं स्टार्ट कर देता हूं। और सॉरी उससे पहले आप लोगों के जो कोई क्वेश्चन है यहां तक क्लियर है तो क्लियर का कॉमेंट कर दे मेरे बच्चे।